असलम जी मेरा नाम है आमना आप देख रहे हैं समथिंग हॉट दिस इज़ अ हॉट रिव्यू मंडे एपिसोड और मैं इंट्रोडक्शन इसलिए दे रही हूँ कि मुझे आज ज्वाइन करेंगे पुराने वाले हसन कैसे हैं हसन आप आवाज मेरे इंट्रो से खुश है मेरे जज्बा जज्बे से आपका पुराना वाला हसन मतलब मतलब आपका हेयर स्टाइल वापस आ गया है वो वाला अच्छा वाला <laughs> हल्की हल्की स्ट्रबल <laughs> भी आ गई है इतना यूनानसली वन साइडेड कमेंट सेक्शन मैंने आज तक नहीं देखा मैं... आमना इज राइट अबाउट हसन आमना इज राइट अबाउट कभी मैं कभी तुम बस बहुत शुक्रिया आप सबका आई लव ऑल ऑफ यू मैं ये कहना चाहूंगा जी कि मैं एक तो तहे दिल से अपने सारे व्यूअर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी जी uh, कुछ लोगों ने कहा कि वी डोंट वांट यू टू फील बैड बट ये वो आई एंजॉयड ऑल ऑफ दैट सो मच या बिकॉज मेरा ये लाइफ लॉन्ग ड्रीम था हाँ। इतनी सारी खातन यू नो मेरे पेरेंट्स और okay. मेरे बालों को लेके इतना सीरियस हूँ सजेशन दें कि यार नहीं आप किताब सकते हैं है? कितामेंट्स मैं मतलब यू you नो know, हाँ। अगर किसी और मर्द को ये बात पता लगे कि इतनी खातन इसके पेरेंट्स के बारे में कंसर्न तो बहुत जेलस हूँ

Of Of your potential, of your potential. potential. हाँ which means you you are very good. so So हाँ, you know Glass glass. half full glass Absolutely. So, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बिल्कुल बुरा नहीं बनाया किसी बात का नहीं बुरा बनाने वाले कॉमेंट्स हाँ भी नहीं।, नहीं।, नहीं बड़े प्यार से लोगों हाँ, ने कहा और मुझे अच्छा लगा so many people care about the way I look. मगर निकला ये you absolutely know nothing about style one.

हवा चलती है तो अच्छा। आपके बाल जो आपको पता है फेज एट में स्पेशली फेज एट खराब हो जाते हैं ये सर ये फेज एट का प्रॉब्लम है तो बाल अब आप चौक पे रुकते हैं सिग्नल पे तो हवा चलती है सिग्नल तो नहीं बाहर उससे आपकी शेव हो जाती और शेव बाल आपके मेरा नहीं है और शेव का इतना मसला था शेव मैंने कोई जिंदगी में पहली बार तो नहीं कराई मैं तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नहीं शेव का नहीं था आई थिंक वो बालों का ज्यादा इशू था क्योंकि वो कटवा के आया था उस तरह से प्रोडक्ट उसने अच्छा लगा पूरा वो नहीं किया

और आगे चल के जैसे मैंने भाभी की जानसार में बात एक कर दी थी वो सही हो गई आगे चल के उस वक्त तो नहीं अभी तक तो नहीं सही हुई तो, कौन भी? सी उन्होंने अपने मियाँ को मारा था वो होने वाला है ऑलमोस्ट हो गई और कितनी आ, एक, लेकिन एक दिदे, 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 लेकिन ये वाली भी बात है हो सकता है कि मैंने उसको एक ऐसे तरह से ऐसी हो गया शायद हो जाए और शायद वो ना हो ठीक है मैंने कोई हतमी फैसला तो नहीं सुना नहीं। दिया था मेरे ख्याल लिए बताएं कि आप लोगों ने सैटरडे को हॉट बाइट्स क्यों नहीं किए बिकॉज हमारे जो एक बहुत ही सीनियर एक्टर मिस्टर फिरदौस जमाल हैं उन्होंने बड़े वो मारे बाउंसर मारे इंडस्ट्री के कुछ लोगों पर तो आपने उस पर बात क्यों नहीं की बात इसलिए नहीं की के जो मेरी पार्टनर है वो गई हुई थी लाहौर दो एक दिन के, दो, 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 दिन, एक दिन के लिए एक, दो दिन और दो दिन और कुछ घंटों के लिए वो लाहौर गई हुई थी तो हम आ, फ्राइडे को रिकॉर्ड नहीं कर सके लेकिन आप लोगों के लिए खबर अच्छा, ये है कि हम इन कल आपकी खिदमत में हॉट बढ़े अच्छा इससे मैं वाकिफ नहीं हूँ

पीछे रखना पड़ेगा बिकॉज आगे का सारा लोगों को सबके पास सामान है मैंने कहा ठीक है तो जब मैं एंटर हुई जहाज़ में तो एयर हॉस्टेस ने मुझे कहा कि आप मुझे दे दें मैं रख देती हूँ मैंने ठीक है मेरी बेवकूफ़ी कि आई डेंट सी वेर शी पुट माई सूट तो मैं टू सी पे बैठ गई टू सी पर मैं बैठी मैं सो गई बीच में कहीं आके मेरी थर्टीन पे मेरी कज़न बैठी हुई थी उसने आके कहा कि तुम जाग रही हो तो आ जाओ मेरे साथ की आयल वाली खाली है तो तुम्हें जा मैंने कहा ठीक है मैं पीछे चली गई छोड़ के थर्टीन पे चली गई हाँ वो थी वो इमरजेंसी uh, एग्जिट वाली बड़ा लेग्स रूम था और अच्छी थी यार आई एल थी वो मैंने कहा ठीक है गपशप अच्छी लगी तो जब लैंडिंग हुई तो मुझे अब टेंशन की मेरा बक्सा किधर है क्योंकि आई डेंट नो वेड पुट इट सो आई कॉल टेक योर सूट मैम आई सेड ओके सम बडी आई मीन कुल तीन कैबिन क्रू हैं पूछ लें hmm. आप मैम नो बडी ओके आई सर ओके इट्स ब्राइट ग्रीन सूट के मिल जाएगा खैर जो खोले सारे कंपार्टमेंट तो एक मैंने कहा ओके हियर इट इज़ वो नहीं था मैंने कहा नहीं ये वाला नहीं है मेरे पे ये नहीं है तो एक और है हसन आधा जहाज़ खाली हो गया मेरा हैंड कैरी नहीं मिल रहा आगे करके एक हैंड कैरी पड़ा हुआ था उन्होंने कहा मैम ये मैंने कहा nah, नहीं ये मेरा नहीं है बिकॉज आई रिमेम्बर कि ये मेरा नहीं है जहाज़ पूरा खाली हो गया सब लोग चले गए सब अपना सामान ले गए और वो एक ट्रक को इस हैंड कैरी मैंने कहा ये तो मेरा है ही नहीं फिर मैंने कहा यार वाट इफ़ ये है मेरा तो मैंने जाके फिर उसको उतार के खोला तो उसमें मेरा लैपटॉप और मेरा था <laughs> तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अपना इफ आई नॉट और मेरे साथ मेरी कजन थी उसने कहा नाउ आई नो वाई रिलेटेड आई सेड बाय कहती यार हीथरों पे मेरे साथ यही हुआ मेरा सूटकेस आ गया और वो कन्वेयर बेल्ट पे घूमता जाए घूमता जाए मैं कहा मेरा है ही नहीं है सारा लगेज चला गया वो सूटकेस घूम रहा घूम रहा तो मैंने सोचा शायद मेरा ही हो और मेरा ही था तो मैंने कहा बस यही मेरे साथ हुआ है आज वो मेरा ही था वो तो अगर मुझे सूट -केस रखा मत ये मेरी का है। आपकी इतनी नहीं है हरकतें आपकी ऐसी <laughs> <laughs> उम्र तो कुछ भी नहीं आपकी जी तो ये इसमें उम्र को ना लाएं बीच में अच्छा हाँ हर चीज आप उम्र को नहीं ब्लेम कर सकती आपको चेक कराना पड़ेगा ठीक है मायरे नफसियात से मायरे नफसियात से वो आपका आप थेरेपी के लिए लेके जाना, जा, जाना, जा, जा. जाना पड़ेगा कुछ चीजें आपको ओवर कर रही हैं आपके मेरे हेड इज टू मच इन माय हेड इट्स टू मच इन योर हेड टू मच इंफॉर्मेशन आपका कैसा था ट्रिप बाकी लाहौर लाहौर का मौसम कैसा है ये बताएं लाहौर का मौसम जो था वो एक दिन बहुत अच्छा था हल्की हल्की बूंदाबांदी हवा इज वेरी नाइस Um, लेकिन अगले दिन बहुत हबसी और बहुत गर्म था। वो वाली गर्मी थी जो अभी हमने नहीं की। नहीं सर, वो गर्मी तो मुझे एक्सपीरियंस ही मैंने कभी जिंदगी में नहीं की जब हम जून में गए थे प्रोडिक्शन 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 प्रशन मैंने अक्सर अपने आप को जब सुन रहा होता ना तो मुझे मेरा जो प्रोडिक्शन हाँ, है वो ऐसा होता है जैसे मैंने बोला प्रोडिक्शन दूसरों की गलतियां निकालते हैं अपने पे भी तलफुज पे जोर दें गौर करें प्रिडिक्शन ठीक है प्रिडिक्शन ये है कि बहुत एक हैवी स्पेल आ रहा है बारिशों का अच्छा सिंध की तरफ स्पेशली कराची uh, में भी एक्सपेक्टेड है कि तेज बारिश होगी 26, 27, 28, 29 ऑफ आ... अभी कल अगस्त हाँ ओके okay. कल का दिन छोड़ के मतलब अच्छा। अगर वीडियो आएगी तो कल परसों ठीक है आई डोंट रियली ट्रस्ट मेट uh, डिपार्टमेंट के अलावा भी लोग कर रहे, हैं बट जस्ट बी सेफ इनकेस बाकी बारिशें होती हैं अपना ख्याल रखें अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखें बिजली की तारों से दूर रहें और अपने आप को बचा के रखें आप ठीक हो गया जी

हमारे पास जफा होता है उसके ऊपर काफ़ी कॉन्वर्सेशन होती है तो ये तीन और तमाशा तो होता ही है तो ये चार अच्छे ठीक ठाक कॉन्वर्सेशन वाले टॉपिक्स हैं तो हमने हमें लगा कि नूरजहाँ को हम वेंसडे को मूव कर लें क्योंकि फ्राइडे हमारा जो है वो बिल्कुल ठुस है कभी मैं कभी तुम के अलावा तो अब हम ये कर रहे हैं कि नूरजहाँ को हम वेंसडे को ले गए और एक ड्रामा जिसमें हमारे पास जानिसार होता है हमारे पास जेंटलमैन होता है सर पत्तों का बन होता है और इशकुबा होता है सो उनमें से एक हम

इश्कवा इन चारों में से कौन सा ड्रामा हम फ्राइडे को लेके जाए तो आप खुश होंगे क्योंकि फिर हम कभी मैं कभी तुम वो ड्रामा तमाशा और अगर आपने हम दोनों या जूनी देखना हुआ तो उनमें से कोई है क्योंकि दोनों तो मैं नहीं देख सकता हम दोनों शायद हम देखते बिकॉज लोगों ने कहा भी अभी आप अभी देखिए अच्छा तो हम दोनों हम देखते रहेंगे तो हम दोनों कभी मैं कभी तुम तमाशा के साथ कौन सा ऐसा ड्रामा है जो आपको लगता है कि उस रिव्यू को हमारे थोड़ी सी यूं उसमें मजबूती लेके आएगा तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना ठीक हो गया जी उसके अलावा कुछ और कहना चाहती हैं आप उसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता आज हमारे पास फिर होगा वीव गॉट टू एपिसोड्स ऑफ न्यू ड्रामा बिस्मिल लॉट्स टू डिस्कस एंड टॉक अबाउट देयर वीव गॉट वन एपिसोड ऑफ जफा वीव गॉट येट अनदर माइंड ब्लोइंग एपिसोड ऑफ मन आपका एक्सप्रेशन मुझे थोड़ा सा वो लगा वो मेरा वैसे ऑफ है सर ऑफ अच्छा अभी जेट लैग ने लाहौर से आई है जेट लैग हुआ है अब लोग इस बात को सीरियसली लेंगे कि लाहौर से जेट लैग नहीं होता हो भी सकता है uh, मनजोगी हो गया और क्या हो गया तमाशा के एपिसोड्स 2021 और 22 जिसमें एलिमिनेट हो चुके हैं मिस्टर आहा आज आपने नहीं कहा कि ये अनफेयर डिसीजन था या फेयर डिसीजन था मुझे फर्क ही नहीं पड़ा इट्स लाइक ही वाज नेवर देयर नहीं नहीं आगा तो अच्छा खेल रहा था ठीक है बस आगा या, या याद है बस सही है आपने कहा ईमान की शॉल्स ने उनको बचा लिया ईमान की शॉल्स ने उनको बचा लिया इस पे भी बात पहले उन्होंने ली की शॉल फिर इसकी एलवी की शॉल इस पे... ग... शातूस की शॉल पे भी बात व्हाई नॉट आप आपने पिछली बार कहा था तेरी छाओ में लेकिन उसका कोई बहुत खास फीडबैक नहीं आया हमारे कमेंट सेक्शन में मेरे पास क्योंकि इस हफ्ते वक्त नहीं था तो वरना मैं देख लेती ठीक है हमारे कमेंट सेक्शन में कोई ऐसी मैंने नहीं देखा नोटिस किया कि कोई जैसे मेरी दाढ़ी पे जो फीडबैक आया वो आपकी दाढ़ी पे जो मेरी दाढ़ी पे जितना फीडबैक है ना ये एक बेंचमार्क है तेरी का ये बेंचमार्क सेट हो गया कि जितना मेरी दाढ़ी पे जब कोई फीडबैक आएगा ना उतना फीडबैक आपको कभी किसी चीज का अच्छा मैं गया ऐसी मुझे तो भूल भूलगी कॉन्वर्सेशन मैं क्या देखा फीडबैक वो टॉप कॉमेंट ही कुछ साढ़े तीन सौ चार सौ लाइन वाला मेरी दाढ़ी पे था प्लीज ग्रो यूर

परेशान है मेरी इसको लेके उन्होंने कहा बहुत है? तुम अपने वैसे भागते कर दिया फिर माशाल्लाह कमेंट सेक्शन में वो कर दिया नहीं, तो अम्मी कमेंट सेक्शन भी पढ़ती है नहीं अम्मी रिव्यूज तो देखती ना जो आपने देखा तो शायद उन्होंने कमेंट्स भी देख लिया आमना ने भी अब तुम्हें कह दिया खाओ कि तुम खाओ मैं खा मैं मेरे मुंह को ये बिल्कुल नहीं कहा था कि कमजोर लग रहा है लेकिन ठीक है बट चीज है मगर आपके बाजुओं का रंग भी वापस आ गया है कसाटा से अब वो हो चुका है बर्ंट बटर हाँ। 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 आप लोगों के लिए अपडेट ये है जो क्योंकि लोग पूछते रहते हैं आप क्या बहुत लोग मैसेज करते हैं वेट कैसे ये वो तो मैं भागता हूँ बट थोड़ा सा अपनी अपनी आप जो भी एक्सरसाइज करें उसमें जैसे आमना भी आपको बताती हैं

Uh, आप उस पर रिसर्च भी कर सकते हैं बट अगर क्योंकि आप पूछते रहते हैं तो पुश अपर इंपॉर्टेंट क्रंचेजेंट लंच बर्प आर इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें बगैर कर सकते हैं तो करें मैंने सही आपने बताया जिम का आपको बड़ा नॉलेज है मैं मैं इन, मैं से कुछ भी नहीं करती। आप नहीं करती आप तो वेट्स के साथ करती

वक्त तो आ जाता है भाई रिव्यूज की तरफ जाने का सारी डिस्कशने हो गई शेर से लेके और बालों से लेके और एक्सरसाइज से लेके और लाहौर से लेके और आ, Forget, से लेके फॉरगेटफुलनेस फॉरगेटफुलनेस तक forgetfulness तक मेरे ख्याल में तो असली मकसद है हमारा उसकी तरफ भी आए हाँ शाहरुख को मैं शाउट आउट देना चाहूंगा आप अपनी टीम को इनकरेज करना चाहिए शाहरुख का एक चैनल भाई लाइव स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम जहां पे वो तमाशा का रिव्यू करता है आप में से बहुत से लोग देख भी रहे हैं तो शाहरुख ने मेरे साथ भी एक रिकॉर्ड किया वीडियो तो अः वो भी जरूर देखिएगा और शाहरुख को भी सपोर्ट करें वो और उसका पार्टनर हुसैन तमाशा पे रिव्यू करते हैं अगर आपने नहीं देखा तो डू गो चेक, चेक अस जी और, मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद कहां से शुरू करेंगे आप आज तुम्हारे क्या क्या बिसमिल मंजोगी तमाशा जफा, तमाशा तमाशा तो जी गेम तो एपिसोड नंबर ट्वेंटी वाली बड़ी बोरिंग थी कैन आई कट टू द चेज हाँ कट इट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि तमाशा का जो एक सबसे यूजलेस कंटेस्टेंट है जिसको इस हफ्ते निकल जाना चाहिए वो ईमान हाँ उन्हें कुछ नहीं किया

Why are you judging somebody for having a fake Fendi shawl? It might be a genuine Fendi shawl. TK Fendi shawls start at eight hundred dollars and can go up to three thousand dollars depending on the on the weave. Is it a cashmere? Is it a tush, Whatever it is, right? But I was like, okay, maybe it's one of the cheaper ones and it's a it's an original Fendi. I said, theek hai, Iman ke baas original Fendi hai. Good for her.

आप यू you नो know, जरूरी नहीं है कि आप पैसे खर्च करके ब्रांड चीज ही लें तो बहुत अच्छा हो जाता है तो फेक क्यों आप पहनेंगे yeah. मुझे ये बात अगेन बट बिकॉज इट्स तमाशा एंड आउट और वो खुद ये जजमेंट इनवाइट करें तो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं तो इस तरह से आपको एक बंदे का मजीद पता लगता है एक हील्स पहनी वजीहा ने जैसे मैंने कहा वजीहा ब्रिंग स्टाइल टू तो द बड़ी खूबसूरत हील्स थी उनकी जूता भी बड़ा खूबसूरत था बाद में उन्होंने एक ट्राउजर सूट पहना वो भी बहुत अच्छा था

In the back in the 80s, night used to be a really it was used to be very sexy for for rock stars to have like chip nail chip polish. Is it still not for Gen? Like bl bl the? can Gen a Gen? article? Gen alphabet A But unki, black goth nail polish chip Haan. and you have a kind of a Jenna or Tiga kind of a Wednesday Haan. Adam look, then you know you're cool. I think it's still I, I don't know. But Anam does not fit that. ने बिल्कुल सही बात की कि ना खुद खेलना है ना खेलने देना है वो सामा के रास्ते में आ गई और कल मैं सायमा को तो मौलाज के दिनों से भागने का आदत है कल मैं इतना जोर से हंसा हूँ क्यों तमाशा देखते हुए रात को अकेला भी? में बैठा देख रहा था और मैं हंसी जा रहा था ये दिन भी आना था साइमा जब कैच ड्रॉप करके वापस आई है ना जा रही हाँ हा, और रेड लाइट को जब कर दे ये क्या है रेड लाइट ऑन करते जब वहां जाते रेड लाइट ऑफ कर देते पता नहीं मुझे वो क्यों इतनी फनी लगी उसकी बात द वे शी सेड आई कुड स्टॉप लाफिंग बस ये था व्हेन शी वेंट इन शी सेड वो गिर चुका था एंड देन दे प्लेड इट एंड एंड शी देन प्लेड इट कि नो गिर नहीं चुका था वो यू ड्रॉप्ड इट दैट वाज हुमना बट साइमा वाज सो फनी

तीन ही है जिसके थ्रू वो कर सकता है या वो एंगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे लोगों को बड़ा मजा आता लो है लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है कमाल हो रहा है या और क्या हो सकता है, कि really like little, uh, क्या कहते है अपनी पोटेंशियल को फुली एक्सप्लोर नहीं किया ये जो अनमाला रोमांटिक एंगल वो लेके आ गया ना इसलिए मानी सुटेबल बॉय मोड में चले गए हैं हाँ तो, तो वो रिश, रि, बराए रिश्ता बराए नाम हाँ वो आप कल आपने देखा होगा उसने चम्मच से खिलाया आलम हाँ, को फिर उसी चम्मच हाँ, से खुद खाया है 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 अपनी पानी की बोतल से इट्स नॉट अ कपल दैट आई एम रूटिंग फॉर यू नो बिकॉज आई एम रूटिंग फॉर सम काइंड ऑफ ड्रामा देयर बट या

I don't find Humna annoying. I find I actually there are so many annoying girls in this house. Uh, Dania is annoying. Humna is annoying. Annum's... But if you look at Dania, Dania, कुछ गलत कर नहीं थी. कल भी वो गई उसके पास उसने जा. तो Dania ने थोड़ा सा redeem किया अपने इन दो episode में अपने आप को. The thing is कि ऐसा लगता है I I don't know her personally, but ऐसा लगता है that she's put on a fake persona. इवन जब वो अनम रो रही थी और वो अनम को कंसोल करने गई कि नहीं तुम अपनी करते रहो तुम यू नो यू डू यू 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 वट कैच यूट इवेंचुअली ये वो उसको पंप अप कर रही थी मुझे वो भी अनोइंग लग रहा था हालांकि उस बेचारी वो अच्छी बात कर रही थी वो जो किचन में भी काम करती है अपने लिए स्टैंड भी लेती है सब कुछ करती है गलत वो कुछ नहीं करती बट आई डोंट नो इट ऑल कम्स अक्रॉस एज फेक अगर वो बदतमीजी भी करती तो फेक नहीं लगता नहीं वो फेक होता भी नहीं है कल रात को जो फड्डा हुआ है वो क्या था माही को तो पिनलाइज करना चाहिए होगी हाँ, पिनलाइज वो एंड बी हां और है ना शी सेड दैट हां एंड शी सेड दो तीन दफा वो uh, हाँ। लड़के इस बात पर रहे थे उसने कि उसने कहा कि तुम्हारा तुम सपोर्ट में तुम थी मैं ऐड कर रही थी तो तुम उसमें सपोर्ट में थी इस बात पर माही को सोचे कितना गुस्सा है

ये इश्क, इश्क, इश्क है इश्क इश्क वो इश्क है इश्क है रिमेंबर हमाद भी था जिसमें हाँ याद आ रहा है मुझे माही मुझे बिल्कुल नहीं याद उसमें माही इज द गर्ल लू ही सुपोज टू मैरिड नो नो माही इज द गर्ल नहीं यार आमना क्या बात कर है आप

तो वो पता नहीं अब पिक किया या नहीं किया मैंने देखा नहीं है हाँ। बट उस वक्त भी साइमा की बातों के ऊपर लोगों का बड़ा मिक्स्ड तो आपने नहीं देखा है ना यार होगी मुझे नहीं याद आश्कर ड्रामा मिनाल और दानिश वाला आपको बता दू बता रहा हूँ ना इतना ही आपको याद होता तो आपको कैरेक्टर भी याद होता यार दानिश जिसमें अपनी कनपट्टी पे रख के मुझे ड्रामा याद आ गया है माही का जो क्या लड़की रोल था इससे प्यार करती है दानिश से नहीं नहीं, नहीं, नहीं रजिस्टर हो रही चले नहीं हो रही तो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रही इस चीज की बट एनी anyway, ये कंटेस्टेंट्स में है और uh, yeah, that's देखें it. तमाशा मैं मुझे ऐसा लगता है पिछले बहुत का जा रहा था, राइट? आपने भी इंजॉय करना शुरू किया एंटरटेनिंग हो गया था, ये तो था? तो बहुत थी भाई क्यों ने? हो गया था क्योंकि मानूर, मानूर हुमना साइमा ये माही ये थोड़ा सा गर्मा गर्मी शुरू हो गई मुझे ऐसा लगता है कि बादशाह सलामत ने आके ना सबको जो ठंडा करा दिया ना ये बोल के कि क्या इंप्रेशन जा रहा है बाहर मैं तो आपकी गालियां भी म्यूट कर रहा हूं पता नहीं क्या जा रहा होगा उन सबको इतना कॉन्शियस कर दिया है कि जिसकी वजह से वो वापस तमाशा बैठ रही है hmm. ये नहीं करना चाहिए था बादशाह सलाम मेरा नहीं ख्याल इस वजह से बैठे लड़ाई अभी भी हो रही है कौन सी लड़ाई ये फेक लड़ाई है अनम की सारी फेक लड़ाई है कल जो लड़ाई हुई, हुई है वो एक जेनुअन हुई है पूरा हफ्ता ये जो बिल्कुल शांति आई जो सॉट बर्गर गेम वॉज सो लॉन्ग एंड सो बोरिंग बोरिंग ओ माई कॉल एंडलेस बर्गर बर्गर, बर्गर बर्गर, बर्गर पे बर्गर, बर्गर uh, पे बिटवीन करना हो आपस में कोई इवन दैट दैट बॉल गेम वाज रियली स्टूपिड मारने वाली नहीं कि जो भाग के जाओ या जंगल में या उसमें में बॉल गिरेगा हाँ. वहां वो लाइटें बंद कर दी एक रेड लाइट जुड़ाई बहुत ही स्टूपर गेम पिछली बार बारी गेम एक आध रिपीट हो तो सही है जब इतनी सारी गेम्स पिछली बारी रिपीट होती है ना पिछली बार वाली हाँ। तो वो फिर उतना मजा नहीं आता देख के बट एनी वे कमिंग बैक टू वट आई वे कि बादशाह सलामत आके अनलेस किसी ने फिजिकली किसी को इस तरह से तो, हाँ। अग्रेशन कभी कभी दिल चाहता है कि एक दूसरे को मारेंगे लोग बादशाह तो ये नहीं बोलना चाहिए हाँ, हाँ. सोलह लोगों को डाला उनको अपना आप और असलियत दिखाने दें यारिने दे। तो केले पे भी डांड दिया कि केले पे लड़ो लड़ने दें भाई आपको क्या प्रॉब्लम है हमें तो मजा आ रहा है ना हमें मजा करने दें अनलैस कोई रूल्स नहीं टूट रहे अनलैस वो मार नहीं रहे एक दूसरे को करने दें यार

So again, तमाशा इस बार का तमाशा यू यू जा रहा है ने एक ही बार way, elimination के वक्त जो है ना बादशाह बिल्कुल जैकी दा का लेके आते, तो ले आते हैं ना वो भी अब थोड़ा प्रोडिक्टेबल हो गया कि पहले दो लोगों को उठाएंगे सेफ होंगे फिर जिसको वो पौधा पकड़ाएंगे कहेंगे अच्छा ये अब उसको दे दो मतलब कब ऑन यार बी मोर लाइक क्रिएटिव

जहाँ पे वो बंटे थे वो बंटे उसके उठा लिए किसी ने वजिया के फिर वजिया को डांट भी पड़ी गेम और वार्डीम बादशाह और अकील ने भी बोला कि आप कर जाती तो मुझे ऐसा लग रहा है तो अकील हो सकता बन जाए बिटवीन वजिया एंड अकील आई डू थिंक दैट अकील इज मोर डिजर्विंग क्योंकि पिछले हफ्ते अरसलान का जो मुशीर बना जो मुशीर बना था उसने काम भी काफी किया था बर्तन वर्तन भी धोता रहा

विच वाज रियली स्टुपिड बट आई एम ग्लैड ही वेंट एंड ही हर्ड एवरीथिंग एंड देन ही हर्स एवरीथिंग एंड वो कैसी एक यू नो बटी एट दैट पॉइंट वो हाथों वाला मुझे पता लग गया था कि अब ये ड्रीम ही होगा हाथों तो वाला ड्रीम सीक्वेंस था बट शीरा सिट डाउन एंड शीरा सेस आई मैरिड नाउ एंड आई आई र का आ, अपना इस तरह से अपनी फीलिंग्स का इजहार करना मुइज को ये सब कुछ बता देना आ, मैं कल बैठा सोच रहा था मैंने कहा यार ये लड़का बैठा इतना सोच रहा था ऐसे नहीं था मैं देखते हुए सोच रहा <laughs> था कि ये वो लड़की है कि हु अटेम्प्टेड सेल्फ हार्म फॉर दिस गाय यस राइट और उसके बाद अब वो इस मोड़ पे पहुंच गई है कि जहां पे वो ये कह रही है कि अभी तक मैं अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूज थी भी तो मैं देखने के बाद वो सारी कंफ्यूजन अब ख़त्म हो गई है okay. ये जो उसका चेंज इन इमोशन हुआ है आप इसको क्या इस चीज़ को एट्रीब्यूट करती हैं कि नुमैर के साथ रह के क्योंकि उसका एक रिलेशनशिप जिस रिलेशनशिप तो नहीं बट उसने देखा कि नुमैर इतना लविंग है केयरिंग है नुमैर की वजह से ये हुआ है या ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है मोइज़ के साथ Moise, vis -vis Moise, जो उसकी जो भी एक इंटरेक्शन थी या जो भी था उस वजह से ये हुआ है ऑफ़ एंड हर पेरेंट्स ऑल थ्री पेरेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री आई फील आई फील आई मे बी रॉन्ग बट आई फील एक तो यही था इनिशियल तो ये शॉक था जब मोइस क्रिकेट खेल रहा था And, you know, and she found that kind of companionship, trust, loyalty, a kindness that she didn't get from her mother. And she wasn't, although we have no indication to say she was upset with her mother, but we were upset with the, their parents. So, she I, was I, upset with she her. She was, parents. yeah. So, between the three of them, with these three circumstances, she's like, yeah, okay, fine. Hmm. So, all these I, things I, are... I, personally, I felt okay. फिर आप मुझे कहेंगे मुझे प्यार का मोहब्बत का नहीं पता यह क्या बोले बोले और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उसको कोई मोहब्बत नुमर की तरफ हो गई है बट क्योंकि नुम इतना एक अच्छा शख्स दिखाया गया है एक इतना फ्रेंड उसको दिखाया गया है कि मेजरली उसने जब ये देखा ना कि यार एक तरफ एक बंदा है जो कि इतना मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी माँ तक के सामने मुझे डिफेंड कर रहा है खड़ा हो गया है शायद

हम देखते हैं ड्रामो में नहीं होता उसके बरक्स अच्छे तो तरीके हार्ट वार्मिंग अच्छे तरीके से कोई हो रहा। ना, कोई अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनके बीच में नहीं है हर चीज साफ है वाजे तौर पे है वो क्या है उसकी बैकग्राउंड क्या है ये अब क्या है इसके पास क्या है कोई है कि नहीं हमने एक बार बड़े अरसे पहले कहा था निकाह के दो बोल में बड़ी ताकत होती है तो वो अब उसने कहा मैं तो बीवी हूँ अब किसी की मैं वो इमोशन फील ही नहीं करी तुम्हारे तो ये है दूसरे ट्रैक की तरफ आए मैं लेकिन coming back to this one i wouldn't now like the mother to interject too much अगर वो अब शुरू हो गया ना घरेलू पॉलिटिक्स वाला कि माँ अभी भी नहीं एक्सेप्ट कर रही और वो ये लड़की फिर आ गई ये लड़की ये i तो think उसकी फाउंडेशन उन्होंने ले कर दी है जो बेटी कहती है कि मेरा भी चक्कर था और हाँ। वो कहती है कि मुझे तो एक बार वो फ्लैट में भी लेकर ले मां कहती है हैं हाँ।

कि मम आई लाइक हर बता now. देगा ना अभी तो आया है अभी तो आया है बता देगा बहन को तो नजर आ रहा है ना बहन तो कह रही है कि उसको पसंद है वो मगर मानी मानने को तैयार हो जाएगी बट आई डोंट वांट द स्टोरी ड्वेलिंग ऑन द मदर टू मच नाउ इट हैज टू बी नाउ आई एम गेटिंग कुछ और इट हैज टू बी दीबू एंड चले लेट्स सी कमिंग ओवर टू मिस्टर हसन एंड सारा क्या कहना चाहेंगे आप <sighs> यार आपको मुबारक हो माँ बाप जारा के आप मुझे लगता है मैंने जब उनका वो सा पूरा सीन आया मुझे आप बड़े याद आये मैं आपको बहुत फखर होगा मुझे इन डीड माँ बाप पे बहुत फखर है जी मोहेब की और मावरा की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी मोहेब का वो जो सीन था जब वो चोट लगती है जारा को उसके बाद जिस तरह से वो रिएक्ट करता है यू नो सॉरी सॉरी दादी के पास जाता दादी को लेके जाता है ब्यूटीफुल एंड इवन मावरा आई थिंक अगेन हम बार बार ये कह रहे हैं कि मावरा की Marwa's performance was very good because it was very measured. It very was not measured. over and she had a quiver in her voice. Not over the that, top at the, all. The voice modulation was so strong in that scene that I was like, "Oh my God, she's." It's she's, it's very yeah. difficult for for an actor, I suppose, to control their.

इट्स द वे दैट द कैरेक्टर हैज बिन रिटन में कैरेक्टर प्रॉपरली और अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली बट हेज दिस गर्ल जिसको पिछले एपिसोड में लड़के ने कमरे में बंद किया था। ठीक है शी इज अ डॉक्टर बहुत स्मार्ट एक लड़की है और प्रोग्रेसिव लड़की है शी अंडरस्टैंड एंटायर सिचुएशन इज ठीक है शी टू द एक्सटेंड दैट नाउ शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर डिटेल्स अबाउट द मदर जब वो पूरी वो कर रही होती है तो मुझे सवाल ये पैदा हुआ कि हसन की माँ को ढूंढने से हसन का ट्रॉमा हील कैसे होगा हसन को जो मसले हैं क्या ये बेहतर नहीं है कि बीइंग अ डॉक्टर वो हसन को किसी के के पास या किसी के पास लेके जाए माँ को ढूंढ लेने से माँ का व्हाट इज शी ट्राइंग टू अचीव नो एंड आई टू थिंकिंग दिस हसन हर टॉकिंग टू समवन आस्किंग फॉर हसन मदर्स डिटेल्स ठीक है नाउ शी शोन टू अंडरस्टैंड हसन साइकोलॉजी हसन वेन पुशिज हर इज नॉट अगेन जिस ये वो उतना ही बुरा था जितना पिछले एपिसोड में उसने बंद किया ये उतना ही बुरा था जो उससे पहले उसको थप्पड़ लगा है और ये उतना ही वायलेंट था जितना ये सब कुछ हो चुका है कि उसने उसको यूं किया है और उसका जाके सर लग गया है hmm. ठीक है गिवन के वो ये सारी चीजें देखती आ रही है मुझे जारा का ये रिएक्शन के यार के ओके okay, मुझे चोट लगी लग है मैं अम्मी आई कांट स्टे विद यू ओके आई एम गोइंग होम मुझे समझ में नहीं आया मुझे आया बिकॉज उसका ब्रेकिंग पॉइंट हो गया ब्रेकिंग पॉइंट समझ नहीं आ रहा लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट हो गया नहीं समझ भी आ रहा है यू 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 नो लेट लेट इट इट गो गो वंस ट्वाइस थिंकिंग शेयर कर लिया मेरे साथ ब्रेकिंग पॉइंट आपने ट्रिगर किसने किया <coughs>

मैं इस बात को तो कंटेस्ट कर ही नहीं रहा ये हाँ। जो हुआ है उसके बाद उसका घर जाना बनता था हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद जो माँ बाप की पूरी आई कांट बिलीव आई दिस आई लव द पेरेंट्स रिएक्शन बिल्कुल माँ बाप को इसी तरह रिएक्ट करना चाहिए था बट but...

जैसे बहुत ये एपिसोड मेरे लिए इसलिए थी कि दादी आती है और दादी जो पूरी बात तो करती है सोसाइटी ना कि नहीं उसको रहने दो बट क्या? अब दादी बात गलत कर रही थी आप समझ रही हैं दादी बात गलत कर रही थी कि यार कि क्योंकि अगर किसी लड़की को इस तरह चोट लग के आती है तो जो माँ बाप रिएक्शन करें बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए

असल में एज़ अ व्यूवर एक्सपेक्टेशन मेकर्स की तरफ से क्या है कि वो कैसे परसीव करें लेकिन रियलिस्टिक है ना रियलिस्टिक भी है कि जरूरी तो नहीं कि हर बंदा एक परफेक्शन के साथ रिएक्ट करे पेरेंट्स ने एक तरीके से किया उन्होंने कहा कर डिवोर्स कराओ खत्म करो दिस इज फिनिश्ड दादी ने व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग ना वहां पे लड़की के मुंह में जुबान ना हाँ। होनी चाहिए ना यार ठीक है शी इज इन शॉक राइट नाउ अभी उसकी शादी हुई है शी वाज शी इज इन लव विद दिस गाय हीस टर्नड आउट टू बी अ कंप्लीट मेंटल केस हीस गॉट सो मच बैगेज हीस वायलेंट and he's also really temperamental. i would be torn at that point, that here is this person who i love, who i want to help, but because he's so violent and unpredictable, i can't be with him because i'll damage myself. i will end up being like, uh, I, I don't want to be that person. so she is absolutely torn. i completely get her. i don't think she's torn. I don't I couldn't sense that she's torn. No, I, I sensed it. I, I didn't I see did. it. I did. She was very clear that I want to leave and she did leave, there's nothing wrong with it. Yeah. I, I, I don't think there's anything wrong with it, but I don't think she was torn. We need to hear her say that I've, I've heard I know what the problem is and I've, i thought that I could handle it, but I can't. And she, and scenario. she says this. Yeah? She says this. When? Well, she says Ki, I thought I could handle it, but maybe I've had enough. Many हाँ वो ये ये ये, ये वो कहती है और ये भी कहती है कि आ, कल को कितनी बार मतलब दोबारा तुम कुछ कर सकते हो या yeah, exactly. कल को तुम फिर yeah, कुछ करो पर यहाँ पे हर बात पे हम अब थेरेपी की बात कर रहे हैं व्हाई हर बीइंग अ डॉक्टर इज नॉट ब्रिंगिंग थेरेपी अप वही मैं कह रहा हूँ ना सो so ये जो चीज है कि जो वो माँ को फोन कर रही है दैट इज वॉट इज लीडिंग टू ऑल ऑफ वट आई एम से

Well, she should be more sensible. ये वो वाला केस है हम yeah. अभी कॉन्वर्सेशन एक कर रहे थे ना कि आप यू you नो know, सिर्फ ये कह के कि यार, पास, है, पास है, तो आप इस तरह किस किस को माफ करते रहेंगे उसने यू कर दिया तो अब जो ही बात है जो हम आपको अक्सर कहते हैं

you need to you need to protect yourself physically first of all physically you need to protect yourself and then you need to find a therapist you need to get counseling for somebody who is obviously mentally unhinged and has trauma and has emotional baggage that person needs needs medical professional help and per people who don't who 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 don't oblige what to do then who don't oblige leave them

ये ना हो कि फंस जाए कि यार के ओ क्योंकि इसका तो ये मसला है तो इसलिए ही इज़ एक्टिंग लाइक दैट नो सम पीपल आर जस्ट प्रोन टू वायलेंस सम पीपल आर जस्ट ए होल्स सो उसकी वो वो डिस्टिंगशन ड्रॉ करना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो बंदा जो एक्शन जिसके जो वायलेंट हो रहा है या ये जो इस तरह की हरकतें कर रहा है उसके पीछे रीजनिंग है क्या वो समझना भी जरूरी वो समझना ज़रूरी है. है लेकिन वदर वो फितरतन बुरा इंसान है या वो मसलहतन बुरा इंसान है

पपिया एंड ऑफ लव सलीम साहब ने एक बहुत जबरदस्त चीज़ की हाँ। आप देखें एंड ये अटेंशन टू डिटेल मैं दानिश नवाज को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा यहाँ पे वो आ, आते हैं तो वो कहते हैं इसकी ऐसी की तैसी, मैं भी इसको जाके देखता हूँ तो जारा कहती है अभी चले, अभी चले you know, we'll विल टॉक गाड़ी हाँ। में बैठते हैं फिर रिवर्स गेयर लगाते हैं हाँ, खाली बैठते नहीं है ये अटेंशन टू डिटेल होती है रिवर्स हाँ, गेयर लगता है गाड़ी पीछे होती है हाँ, फिर वो रुकते फिर वो निकलते हैं हाँ, ये बहुत छोटी सी चीज है करने को हाँ, लेकिन ये ये मुझे ऐसा लगता है कि ये डायरेक्टर करते वेरी लकी बिकॉज दे कॉट नेचुरल रेन इज वेल ये छोटी -छोटी होती हैं जो के सीन में एक ले के आती हाँ, हाँ। कि यार के वो बातों में आ गए अच्छा हाँ। रिवर्स गेर लगा के दिसको नहीं छोड़ूंगा मैं उतरूंगा दादी को भी सोचना चाहिए कौन सी वाली दादी ये वाली दादी दैट माय माय ग्रैंडसन नीड्स हेल्प और फिर वो जब घर आते हैं तो माँ का बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हां जब दादी वो सारी बात कही चीज लाइक दिस इज दिस इज इट दिस इज द बॉटम लाइन हाउ डेरी हाउ डेरी लिफ्ट अ फिंगर ऑन हर दैट इज इट खत्म सो इन दैट मोमेंट आई वाज लाइक यार ये रिएक्शन तो बड़ा फिट है बट बिकॉज़ आई नो सिंस बैक स्टोरी आई वाज Because we kind of like Hassan and we know that, like, I, okay, but the, the, that's what's happening. Why is Zara not interjecting and saying, "Dude, this is what the problem is. Let me handle it on my own," or just mm -hmm. calm down, yeah. calm down, give me a day, let me figure it out. M maybe in the next episode, I think she will. But good job, Danish Nawaz, and good job, Samira Fazal. Um, yeah. it, it's going strong. Jaffa going yeah, yeah, strong, yeah, yeah. absolutely. And good job, all the actors as well. Mm -hmm. ji bilkul. Moving on to Amna. New drama hai ji Bismil. पहले बिस्मिल करेंगे right. हाँ। बिस्मिल में नुमान जाज, जी सवेरा नदीम जी। हरीम फारूक, जी। इसको डायरेक्ट किया है येट अगेन, फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है मेरे से शुरू करना इंटरेस्टिंग लगा मुझे मुझे इंटरेस्टिंग लगा और एक चीज मेरे दिमाग में जो आई वही आई के खातन के लिए तो या ये टाइटल होता है गोल्ड डिगर का उस मर्द के लिए क्या टाइटल होता है जो गोल्ड डिगर से फंसता है कोई टर्म होती है खातिन को क्यों गोल्ड डिगर का आ जाता है ये मेरा इसके दो किस्तों का वो है निचोड़ क्योंकि कहानी जिस तरफ जा रही है उससे यही अंदाजा हो रहा है कि पहले उसने बेटे को फंसाने की कोई। के लिए बहुत से अल्फाज हैं क्या जो शायद मैं नहीं जो जो ना, नाजेबा हो जाए गोल्ड डिगर जिसको फंसाती है जी जी मैं उसी मर्द उस मर्द के, के उस मर्द के लिए बहुत से अल्फाज कोई एक लफ्ज नहीं गोल्ड डिगर का पट्टा आराम ज्यादा बट मुझे अच्छी बात ये लगी इन uh, उसमें कि जो दुनिया उन्होंने दिखाई है मेरे ख्याल में काफी हद तक उसको सही तरह से डिपिक करने में कामयाब हुए हैं आपका मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा <laughs> कि आपको क्या लगा uh, जब मैंने नुमान एजाज को देखा सवेरा नदीम के साथ और वो अपने बेटे के साथ वो कर करे मैंने कह ठीक है इनका इतना एक उम्र का बेटा है बट को तो इतने बुढे लग नहीं रहे ठीक <laughs> लग रहे हैं कि मतलब हाँ यू नो पर्सनलिटी वैलिटी और नुमान एजाज की वैसे भी बातचा ठीक है अब आहिस्ता आहिस्ता इट स्टार्ट टू मेक सेंस कि यार के ठीक है वो इस तरह के जो हैं इट वुडेंट बी अनैचुरल फॉर दिस गर्ल टू लाइक पटाओ फाई This guy. Because oh. वो कहीं बीच में बात भी करते हैं कि मैं शादी दूसरी शादी की है वो वो एक ah. जोक भी मारते हैं फिर जब रात को वो दोनों बैठे होते हैं तो वो फिर स्लीप वेट लॉस की वो भी बात करते हैं तो मतलब उनके थोड़ा बहुत उन्होंने no, no, but otherwise parents -wise also, yeah. The, the way that he looks, yeah, like, yeah. you know, yeah. yeah. वो सब कुछ है

हाँ, में हाँ, तो लगते हैं हाँ, जो है, हमारे सुमा को आपने दिखा दिया है कि बीबी बीबीए -बी उसने किया है अभी अच्छा एक घर बहुत अमीर घर है टीटी -टी, तोकीर साहब या तोफी तोकीर हाँ, टी टीटी साहब है हाँ। बहुत बड़ा उनका जबरदस्त मैंशन है उनका पूरा एक स्टाफ है वो

उसको वो लटका देती है इसलिए क्योंकि वो बुरा प्रपोजल उस तरह से नहीं था हाँ। क्योंकि वो लड़का उसके नीचे इंजीनियर काम करते हैं है, हाँ। हाँ, है, हाँ। है, है, है अमीर बने बहुत ज्यादा उसके पास पैसे हो तो वो इसको बैकअप प्लान के तौर पर रख लेती है लड़के को कहती है कि ठीक है अगर और कुछ ऑप्शन ना मिला माँ को कहती है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ और कोई ऑप्शन ना मिला तो मैं शादी कर लूंगी वरना हम देखें तो माँ और बेटी लो एंडहूल्ड अब्बाजी का एक्सीडेंट हो जाता है पहले मुझे लगा की अब अब नुमानी और यसरफ साहब को हमने देखा नहीं लेकिन उन्होंने झंडी करा दी एक्सीडेंट के बाद हाँ हालांकि वो अपनी महंगी महंगी लैंड क्रूजर टर्मिनेशन लेटर भी उन्होंने भेज दिया समझने मुझे इतनी महंगी महंगी लैंड की इजाजत से नहीं आती थी ड्राइवर के साथ ठीक है तो बहरहाल वो पता चलता है हमें बाद में के जी वो अब्बा जी तो फारग हो गए हैं तो लड़की और क्योंकि ये अच्छी अमीर फैमिली दिखाई गई है ये जाते हैं हैं उसकी खाना पूरी करने भी जाते हैं, पैसे ये ये हैं। नोटिस करती है एक तो बहुत पहने होते हैं बैग पे मुझे रास्ता लोगो था नहीं कोई मुझे पता नहीं चला बैग जरा सा कोई यहाँ पे फंडी होना चाहिए था एलवी होना चाहिए

she's going to like explode and she's going to okay let's see make her presence threak. felt threak I, her presence I thought feel. that i thought that musa played by i think saad qureshi uh, was very, he was very good yeah he was good i thought he was a very good addition

में कोई फ्रेशनेस डालेंगे अभी तक मुझे ना ये दो में फ्रेशनेस नहीं आई मुझे जो फ्रेशनेस लगी उसमें था।, था कुछ लोगों को वो अनोइंग लगा था आपको भी शायद मुझे भी लगा, था। लगा था मुझे मजे का लगा था मैंने तब भी कहा था आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद गर्ल ये जो कैरेक्टर है इसमें जो वो एक स्लाइट शेड नजर आ रहा ना मैं ये तो रुकूंगा नेगेटिव या बट एक एक ग्रेश जो उसका शेड है कि उसने उस लड़के को भी लटका के रखा हुआ कहते हैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ लटका के रखा हुआ है और yeah. यहाँ पे भी इसको लुभाने की कोशिश कर रही है नहीं हुआ लिपस्टिक लगा हो के तैयार होके हो तो वो जो जिस तरह से हरीम परफॉर्म कर रही है ना वो मुझे एक चीज़ इंटरेस्टिंग और मजे की लग रही है 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 हरीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इंटरेस्टिंग भी है आई जस्ट विश दैट शी हैड डन हर हर एमबीए ऑफ बीबीए बिकॉज शी डजंट लुक लाइक अ 21 22 ओल्ड एट ऑल

to to because that would another be another point of discussion also in the scheme of things kyari kis saal ki bachche 50 but they look compatible that's because harim is not 21 right exactly my point anyway accident ho jata hai aur pata chalta hai ki ji spinal injury hai unko और वो अब चल ना पाएंगे अब ये जो पूरी spinal injury और उनके इलाज की जो execution थी ना ये बहुत पोअर थी because अगर spinal injury है और उनकी एक surgery हुई है तो वो surgery के कोई उन पर असरात नहीं थे

अब अगर बन जोगी में वो साइकिल से तीन हफ्ते पहले गिरे थे तीन हफ्ते नहीं दो तीन दिन पहले और उसके अभी तक दाग है चेहरे पे तो वो एक ऑथेंटिसिटी का एक आपको रिफ्लेक्शन देते है ना तो एक बंदा है जिसको एक्सीडेंट हुआ है जिसको नील होने चाहिए उसके मुंह पे उसकी एक स्पाइनल इंजरी हुई है यार इसको आप इस तरह से भी देखें कि जब पहली एपिसोड में वो प्रपोजल होता है तो वो कहती है कि अब तो तुमने गाड़ी भी ले ली है तो गाड़ी वो सेकंड एपिसोड में दिखाने लाता जब वो कहता है कि ये देखो मेरी गाड़ी और वो कहती है ओ वाह ये गाड़ी थोड़ी छोटी है रिमेंबर

Absolutely. Anyway, should we watch it? Absolutely. Yeah. Yeah. yeah, 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 yeah it's off to a good start. Decent start. Decent. Oh, yeah. Let's say it's off to a decent start. It's off to a predictable but but decent start. Predictable. It is predictable. Teaser deva. Exactly. Even execution mein, there's no surprises. It's, it's predictable. Were so, you expecting what? Were you expecting surprises? I mean I always hope for them. Not expecting, but yeah, you always I hope was. for them. Take it. मूविंग ऑन टू एज आई गॉट इन मन मैं आपको बताऊ मन जोगी इस ए, इस एपिसोड में मुझे सडनली हिट की एक चीज कि यूं तो ऑब्वियसली बड़े एक सेंसिटिव इशू हलाला और वो जी. सारी चीजों के ऊपर है और वो सोसाइटी की बहुत सारी जो हमारे इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं उनको टच कर रहा है और बड़ा हुआ है बट इफ यू सी इट फ्रॉम अ रियली डिफरेंट परस्पेक्टिव इट इज ऑल्सो वो जो कैट एंड माउस चेज वाला है ना टोटल वो थ्रिल वाला जो एलिमेंट है वो बड़ा जबरदस्त है वो म्यूजिक पर पेचुएट करती है

You 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 see see the the like you know you see elements of extremism in in society which, but, which is but very what I'm trying, not in your face no very की जो आप बात कर रही है और यहाँ पे इतना आपने उसको है वो बैकग्राउंड में लेकिन वो फोरग्राउंड में ब्यूटीफुलिटी ब्यूटिफुलिटा ब्यूटिफुलिट ऑल्सो वेन दिस है

बिकॉज़ मुझे भी भी पता पता है है तुमने तुमने जो किया तुम्हें तो अच्छा, जिन लोगों को पंजाबी नहीं समझ में आती उनके लिए शायद थोड़ी सी स्ट्रगल हुई हो। मगर ने सब तो अच्छा उन्होंने सब टाइटल वो बड़ी ठेठ लाहौरी पंजाबी थी आपको तो जबरदस्त समझ आई होगी इंजॉय भी किया होगा आपने मैंने भी इंजॉय किया

आपको उसकी नजर से पता चल जाता है समझ आ गई है इसको कि ये लेने आई थी देखती है बिल लेके ले पास पास मां बेटे दोनों और वो कहता है कि इतर की खुशबू जो पूरे चर्च आ, में थी वो 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 इब्राहिम इब्राहिब्राहिम वाली है लेकिन मरियम भी पागल नहीं होती वो वो कहती है तुमने मुझे क्यों भेजा वहाँ उसको समझ आ गई है सारे स्मार्ट कैरेक्टर्स है

ये उसे भी रोकेगा और मुझे भी रोकेगा क्योंकि जब तक तलाक नहीं हो सकती ऑब्वियसली वो कुछ नहीं कर सकता अच्छा अब वो जो एक लुक थी बिलाल की हाँ। जब कमरे में भाभी उसको आलिया को बंद कर लेती है और वो ये तो सीन था धक्का मारता है और वो आता है पहले और उसको यूं उसका हाथ झटकता है और पूरे उस सीक्वेंस में आप देखें बिलाल के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला एक लफ्ज नहीं निकला Yet, उस बंदे ने जो अपनी से और जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से परफॉर्मेंस दे दी है नाइस और क्यूट रोलो बिलाल की एक्टिंग अबिलिटी और एक्टिंग स्किल की जो ट्रू पोटेंशियल है ना उसके बारे में इतनी होती है क्या बिलाल गुड एक्टर वेरी फाइन एक्टर इज अ वेरी रिफाइंड एक्टर वो जो सीन था ना पूरा सीक्वेंस उसमें चॉकलेट हीरो बिलाल भी एक्टर है वहां पे एंड इट इज splendid. ये जो ट्रियो है ना बिलाल का सबीना का और गौहर का yeah. इतना कोई परफेक्ट ट्रियो बन गया है और तीनों ने जिस हिसाब से अपने अपने कैरेक्टर्स में जान डाली है

तो अब वो आप अगेन डायरेक्शन देखें कि वो उतर रहे हैं बंदे एक एक करके एंड सबीना इज शॉर्ट लेकिन मैंने वहां सोचा कि यार ये आलिया जरा रुक जाती है उसको उतरने देती है क्यों आगे चली गई तो ठीक है ना बट बट यू नो बिकॉज़ सबीना इज शॉर्ट अब वो आपको देखने को तो लगता है कि यार ये कि ऐसी क्या बात है बट yeah. अगर आप उसके परस्पेक्टिव से देखें तो ऑल इज सींग इज इज यू नो दिस दिस लॉन्ग क्यू ऑफ मैन

मैंने तो जो देखा है मेरी जो कोई औरत होती वो तो कांप उठती और क्या इसकी जो वो तो चिपकी हुई थी उसके साथ हाँ, स्टोर में स्टोर में चिपकी हुई थी वो शी डीएक्ट रिएक्ट बट शी इज इज प्रोसेसिंग दैट लाइक ओके बट आप ये देखें कि अपने भाई भाभी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया लेकिन जो चर्च में थे यूसुफ 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 ने ने किया किया और मरियम ने किया है यार मेरे ख्याल में भाई ने कर लिया भाई तो बंगा है ना उसके तो वो कहता है इसके तो आवाज ही निकलनी शिबिर के सामने विच इज ट्रू मगर इब्राहिम की निकलेगी नहीं इब्राहिम तो निकाह के दो बोल में बड़ी ताकत होती है यार नॉट जस्ट निकाह के दो इब्राहिम ने यूं आंखें दिखा दी है ना भाई को निकाह के दो बोल और तलाक के तीन बोल है तलाक के तीन, तीन बोल, बोल में ताकत नहीं होती हाँ। निकाह के दो बोल में ताकत होती है बट गुड यार इट्स इट्स गुड गुड बिकॉज़ नाउ वो बार बार उसको कह रही है कि ठीक है ना जाओ अब तो वो कहता है नहीं जब तक आपके सर पे छत नहीं आ जाती तो मैं अब वो छत आ गया वो कह रही है आ गई छत अब जाओ लेकिन वो नहीं जा रहा क्यों नहीं जा रहा

मैंने कहा अच्छा अभी ये क्या डायलॉग है हाँ. क्योंकि तो तो, अच्छा, अच्छा, हाँ. तो अपनी बेटी को शायद कॉल किया है वो बेटी अब नर्स है मेरे ख्याल है जो कहते हैं नाइट ड्यूटी करके आई डॉक्टर है या नर्स है या कुछ है तो अब ये बुशरा के पास चलेंगे और बुशरा के वहां पे भी आपने ऑलरेडी एक कैरेक्टर लैंड लॉर्ड जो दिखा दी है वो है कोई मीनिंग सी आंटी हाँ. और वो कोई वहां good पे यार गुड है यार कॉन्फ्लिक्ट डाल सो फैंटास्टिक वॉच फातिनोज रात इस मौके पे आपसे इजाजत चाहेंगे और अगर आपने पूछा कि नूरजहां का रिव्यू कहां है तो जो पूछ रहे हैं जिन्होंने इंट्रो सुन लिया है वो उनको जवाब दे दें हमारे बिहाफ पे मैं और आप आमना अब आपसे कल मिलेंगे विद हॉट विदहा जिसपे आमना ने मारिया बी के बारे में बात करनी है आपसे मैंने क्यों मारिया बी के बारे में बात करनी है बिल्कुल नहीं मैंने करनी क्यों टॉपिक था ना हमारा बिल्कुल नहीं वो उनके ऊपर वो इरेज हो गया उनके उनके ऊपर देखें ये फैशन ये जेन्यन एक टॉपिक है उनके ऊपर इल्जाम लगा है प्लेजिज्म जी आप फैशन एक्सपर्ट हैं आपसे हम लेना चाहेंगे कि जो plagiarism ले तो फिर। उन पे पे मेरी बहुत opinion है इसके बारे किसके में? बारे में में किसके <laughs> और <मारी आपी> पे। <laughs> plagiarism पे ये तो आपसे हा क्या करें आपसे क्या बात मौसम का हाल पूछते रहे आपसे हाँ। क्या बात है ये ठीक बारे? है आप ये बात होगी और जो और आपसे बात होगी जो हमारे हर मन पसंद क्या है फिर दोस्त जमाल जो चबले मारी है बैठ के टीवी पे जी उन्होंने अंधा भी बन के दिखाया उन्होंने कहा अंधे की एक्टिंग आप कल कर करके दिखाएंगे <laughs> <ने ने> <laughs> तोबा मेरी फिर दोस्त जमाल साहब का क्या रुतबा ठीक <istles> <selber> <भैं>। है वो तो हमायूं से मायरा खान को नहीं लेते अपने